नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने से पहले आइए जानते हैं आज की ताजी और खास खबर। खबर आ रही गुजरात से, जहां रूस के एक दूल्हे ने जर्मनी की दुल्हन के साथ की अनोखी शादी, वह भी हिंदू रीति रिवाज से लिए सात फेरे। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक विदेशी कपल की शादी काफी चर्चा में है। दरअसल जर्मनी के एक शख्स ने रूस की स्कूल टीचर के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी की। इन दोनों ने गणेश पूजा, हल्दी समारोह और सप्तपदी और अन्य अनुष्ठानों का पालन भी किया। ये शादी गुजरात के हिम्मत नगर में संपन्न हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, जर्मनी के क्रिंस मुलर ने रूस की एक स्कूल टीचर जूलिया उखाकातिना के साथ शादी के बंधन में बंध गए। इस विदेशी कपल ने शादी समारोह में गरबा खेला और आशीर्वाद के लिए बुजुर्गों के पैर भी छुए। दुनिया के लगभग हर महाद्वीप की यात्रा कर चुके मुलर ने भारत को अपनी शादी के डेस्टिनेशन के तौर पर चुना। मुलर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने भारत में अपने घर जैसा महसूस किया। वर्ष 2019 में आध्यात्मिक विज्ञान को सीखने के बाद इस कपल ने हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का प्लान बनाया। इस दौरान उनकी मुलाकात लाला भाई पटेल से हुई। ये दोनों लाला भाई पटेल के गांव सरोदिया गए, जहां उन्हें उस जगह और लोगों से प्यार हो गया। दोनों ने वैदिक रीति रिवाजों और मंत्रों के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी की। कृष्ण मुलर ने बताया कि एक समय था जब उन्हें रायसों की तरह जिंदगी जीने का शौक हुआ करता था। उनके पिता जर्मनी में एक बड़े बिजनेसमैन हैं। वो खुद एक जर्मन और सिंगापुर स्थित कंपनी के CIO हैं। इसके बाद भी वो भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हैं। मुलर की मुलाकात वियतनाम में रूसी निवासी जूलिया उखाकातिना से हुई थी। मुलर और जूलिया पिछले 3 सालों से भारत में ही रह रहे हैं। मुलर स्पेरेटियो यूजी और इनर लिविंग प्राइवेट लिमिटेड CIO और संस्थापक हैं लिमिटेड के CIO और संस्थापक हैं। बीती 19 दिसंबर को क्रिश मुलर और जूलिया उखाकातिना की शादी बड़े धूमधाम से हुई। कोविड महामारी के चलते जारी प्रतिबंधों के मद्देनजर इन दोनों के माता पिता इस शादी में शरीक नहीं हो पाए। ऐसे में लाला भाई पटेल और उनकी पत्नी ने सारी रस्में निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपीएस समाचार।